तो फ्रेंड्स अभी मैं बना रही हूँ चाय और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का नजारा। फ्रेंड्स देखिए आंटी लोग सब कोई घूमने के लिए जा रहे हैं और एक आंटी आ रही है, आंटी क्या उठा रही है, वो फिर से जा रही है अभी। तो चलिए मेरा चाय उबलने के लिए आगे शायद देख लेते हैं। बस बच गई ये बिस्किट है मेरी गोल्ड बिस्किट, यही खाएंगे चाय के साथ। अभी बचा है तो मैं मम्मी को चाय दे रही हूँ, अभी अपने लिए भी निकाल रही हूँ और मम्मी का चाय मम्मी को दे देती हूँ। मम्मी बैठी है बेड पे ही। आज मैंने ब्रेकफास्ट में पराठा बैगन की भाजी और चाय बनाया है, तो अभी मैं खा रही हूँ ब्रेकफास्ट। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए टाइगर का भी ब्रेकफास्ट, एक बॉयल राइस के साथ वो खा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मार्केट से क्या लेके आई हूँ। ये देखिए छोटी आओ तुम दिखाओगी, कहाँ छुपी हो, आओ आके दिखाओ। ये देखो ये किस लिए लेके आई हूँ बोलो। इसमें मोमो और इसमें मोमो का चटनी, चिकन पकोड़े चटनी, चटनी इडली सैंडविच चटनी, इडली चटनी। ये हम चारों के लिए 4 ठो प्लेट लेके आई करके मोमो लेऊंगी आज। नहीं नहीं आज स्पेशल जो बनाने वाली हूँ इसमें सर्व करूंगी, चिकन फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस और वो मैं खाऊंगी करके। और वो क्या लेके आई हो, एक और दूसरा वाला ये है वॉल हैंगिंग, वॉल हैंगिंग उल्टा करके दिखा, वॉल हैंगिंग ये है, ये वैसे इसमें आप सब कुछ टना के रख सकते हैं, जैसे बेल्ट, फिर शर्ट हैंगर नहीं, हैंगर तो ये तो हैंगर हैंगिंग ही है, और मेरा सिर, तुझे भी मुझे भी टांग के रख सकता है। और ये सब वाला कितना प्लेट लिखाई, 4 जन के लिए, 4 पीसेस है।
क्योंकि हम लोग चार जन भाई बहन है इसलिए चार जन के लिए चार। और लेकिन और एक और दो प्लेट लाना चाहिए था मम्मी के लिए और इसके भाभी के लिए। इसके भाभी के नहीं, ओ, मेरे भाभी और तेरा ना, तेरा ही होगा। हाँ तो लेके आने वाली थी लेकिन अभी ये फोर पीस ही मिला, गंदा हो जाएगा। ये फोर पीस ही मिला इसीलिए फोर पीस लेकर बाद में ऑर्डर दे के आई हूँ, टू पीस बाद में आ जाएगा। ये हम लोगों ने लिया कहाँ से? गोल्डन प्लाजा से। बोलो, गोल्डन प्लाजा से लेके आई हूँ। जब जाऊंगी तब आप लोगों को गोल्डन प्लाजा का सारा चीज दिखाऊंगी। तो हिप हॉप करके मैं जाऊंगी इस बार। चलो तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पुराना वाला जो उसमें मैं वीडियो बनाती थी टैब, वो कैसे फट गया है, वो पीछे से एकदम फूल गया है और फट गया है। अलमारी में रखा था तो आज मैंने खोल के देखा तो ये फटा हुआ निकला, तो सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेरा पहला फ़ोन जिससे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, यही है, वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो आज मैं बना रही हूँ राइस, बैठा दिया है मैंने राइस, और ये पालंग की साग बनाऊंगी, ये वेजिटेबल्स और ये बड़ी दाल की, तो इसे डाल के मैं बनाऊंगी। मैंने तेल में बड़ी को फ्राई कर लिया है, इसमें मैंने 5 फोरन भी डाल दिया है, डाल के इसे फ्राई कर रही हूँ और इसे निकाल के रखूँगी। और इसमें मैंने सूखी मिर्च आलू डाल दिया है, इसे थोड़े से फ्राई करने के बाद मूली, उसके बाद चीनी, उसके बाद जिंजर, ये सब डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद नमक हल्दी पाउडर डाल के फ्राई करूँगी और फिर चावल डाल दूँगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे से बन जाता है, बहुत ही जल्दी। तो आज हम लोगों का यही है लंच, तो फिर बाद में मिलते हैं फ्रेंड्स शाम के वक्त। तो फ्रेंड्स मैं इसमें टमाटर केचप भर के रखूंगी, टोमेटो केचप, तो ये फ्रेशनर का फ्रेश जूस का बोतल है तो मैं इसी में डालूंगी। और ये मैं फ्राई करूंगी, ये फ्रेंच फ्राई, मैंने तेल भी बैठा के रखा है, चाय भी बैठा दिया शाम के लिए। तो अभी मैं इसमें भर लूंगी सॉस, टोमेटो केचप। तो ऐसे कांच के बोतल में आप पाउच पैकेट खरीद के ला सकते हैं, इस तरह से भर के रखने से अच्छा भी लगता है। मेरे पास 2 और बोतल्स हैं जिसमें मैं मिल्क भी रखती हूँ कभी कभी। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, फ्राई हो गया मेरा फ्रेंच फ्राई। मैं इसमें ये पिज़्ज़ा ओरिगानो डालने वाली हूँ और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और किस आज शाम को चाय के साथ यही बहुत ही टेस्टी लगेगा तो खा लूँगी। तो बस यही हम लोगों का आज का डिनर होगा। और साथ में मैंने बनाया है चिकन फ्राइड राइस, वो भी थोड़ा सा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स चाय पीते हैं। गुड नाइट फ्रेंड्स। तो आज सारा दिन आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। और घर में अभी बज रहे हैं 10:45 और अभी हम लोग सोने के लिए आ गए हैं। ये यहीं पर बैठी है और देखिए ये यहीं पर बैठी है और अभी हम लोग सोएंगे। तो फिर कल मिलते हैं, कल है संडे, न्यू डे न्यू लाइफ। तो कल मिलते हैं, बाय बाय। বিছানা আওয়াজ হচ্ছে রে, এটাও যদি ইয়ে করিস তাহলে তো ইয়ে হয়ে যাবে। কি কি হয়ে যাবে কাটে নিন্দা সরি। বাই ফ্রেন্ডস, গুড নাইট।